सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज मैं जा रहा हूँ वापस से, जो दही में डाल के एंटी डैंड्रफ पाउडर जो है, जो मिक्स करके लगाते हैं बालों के ऊपर, अप्लाई करते हैं स्काल्प के ऊपर, उसको मैं जा रहा हूँ लगाने के लिए। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लगाते हैं। बहुत पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो कि काफ़ी महीने हो गए, काफ़ी दिन हो गए। सो मैं फिर से जा रहा हूँ लगाने के लिए और आपको दिखाऊंगा। डॉक्टर ने बोला है एवरी वीक इसको यूज करना है, बट कुछ हफ्तों से मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ, स्किप कर दे रहा हूँ। बट आज मैं जा रहा हूँ लगाने के लिए। तो सबसे पहले जाके मैं दही लेके आऊँगा और उसके बाद मिक्स करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। ये जो पाउडर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस कि ये इसका पैसा मैं ऑलरेडी पेड कर चुका हूँ, मतलब जो मैंने पैसा दिए हैं ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। सो ये मुझे मिल जाता है एवरी मंथ और मैं इसको लगाता हूँ। तो ये लगाने के बाद जब आप नहाओगे, तो नहाने के बाद फिर जो स्काल्प है वो पूरा क्लीन हो जाता है। सो चलो सबसे पहले दही लेके आता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लगाते हैं। सो गाइस, मैंने दही ले लिया है और दही के साथ एक पानी भी चाहिए था, तो मैंने पानी और एक छोटा वाला दही ले लिया है और दही लेके जा रहा हूँ और फिर इसको मिक्स करेंगे। सो गाइस, मैं दही लेके आ गया हूँ, ये रहा दही, और अब इसको लगाएंगे। दही के साथ मैंने एक पानी का बोतल भी लिया है, क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं था मेरे पास। सो दोस्तों, मैं दही लेके आ गया हूँ और दही को अब पाउडर में मिक्स करेंगे और उसके बाद लगाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि ये पाउडर कौन सा है और कैसा है। सो दोस्तों, ये है पाउडर जो कि छोटा सा डब्बे में है, और इसको मैं ओपन करता हूँ। इस पर लिखा हुआ है स्काल्प, और ये मैंने लाया है दही। तो अभी पाउडर को दही के साथ मिक्स करेंगे और उसके बाद लगाएंगे। ये इसका ढक्कन टूट गया है, ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है और व्हाइट कलर का पाउडर है। तो अभी इसको इसमें से आधा मिक्स करूंगा, आधा बाद में लगाऊंगा। सो दोस्तों, ये है दही और ये है पाउडर। तो सबसे पहले मैं दही को खोलता हूँ। सो दोस्तों, इसी डब्बे के अंदर मैं इस पाउडर को डालूंगा, आधा पाउडर डालूंगा इस डब्बे के अंदर और फिर इसको मिक्स करूंगा, उसके बाद लगाऊंगा। तो मिक्स जो करना है वो भी मैं इसी से करूंगा। इसको इसके अंदर पानी आ गया पूरा दही के अंदर, बट कोई बात नहीं, इसको डालते हैं। एक्चुअली इसको 4 बार लगाना है, बट मैं 2 बार में ही ख़त्म कर देना चाहता हूँ। सो ये मैंने आधा डाल दिया है और अब इसको बंद करता हूँ, और अब इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि पूरी तरह से ये मिक्स हो जाए। अगर इससे मिक्स नहीं हो पाएगा तो फिर मैं हाथ से मिक्स करूंगा। तो दोस्तों, दही को मैं मिक्स करता हूँ हाथ से, और थोड़ा डब्बा छोटा पड़ रहा है तो मिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और ट्राईपॉड से मेरा फ़ोन गिर गया, टूटने से बच गया मेरा फ़ोन। गाइस, अभी मिक्स हो गया है अच्छे से और अभी मैं इसको जा रहा हूँ लगाने के लिए। एक्चुअली इसमें एक लेमन भी डालना चाहिए था, बट मैं लेमन लेके नहीं आया, मैं भूल गया लेमन लाने के लिए। सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, लेमन भी डालेंगे इसके अंदर। दोस्तों ये देखो क्या हुआ, ये पूरा दही जो है मैंने मिक्स कर रहा था पाउडर में, तो पूरा गिर गया इधर से, ऐसे हाथ से लग गया तो पूरा इधर आ गया। अच्छा हुआ कि आधा बच गया, नहीं तो ये भी खत्म होने वाला था, पूरा आधा इसमें से निकल गया। ये देख सकते हो, पूरा पूरा दही गिर गया, उधर तक चला गया है, बट कोई बात नहीं, आधा बच गया है और इसको भी उठा के मैं लगा सकता हूँ थोड़ा बहुत। सो गाइस, मेरा जो दही है वो हाथ से लग के गिर गया था, थोड़ा सा मतलब वेस्ट हो गया मेरा। मैंने जितना हो सकता है उठाने की कोशिश की है, बट बहुत सारे वेस्ट हो गए। देखो भरा हुआ था, अभी कम हो गया, पर कोई बात नहीं, अभी लगाते हैं इसको फटाफट। मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छे से और अभी लगाना शुरू करते हैं। देख सकते हो अभी मेरा बाल कितना बड़ा हो गया है, और इस तरह से लगाना है। एक्चुअली बाथरूम के पास लगाना चाहिए था, जहाँ पे ग्लास होता है और वहाँ पे बेसिन होता है, वहाँ पे लगाना चाहिए था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस टाइप का यहाँ पे है नहीं। सो मैं इसके लिए ऐसे ही लगा रहा हूँ, और बहुत सारा वेस्ट हो रहा है, और हाथ से लग के बालों से जो निकल रहा है वो नीचे आ रहा है पूरा। दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही लगाना पड़ेगा, उस तरह का बाथरूम नहीं है इधर, लग्जरी बाथरूम नहीं है दोस्तों। मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सिर्फ ऊपर ऊपर लगाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर लगाते हो तो कोई फायदा नहीं करेगा, कुछ मतलब ही नहीं लगा के, क्योंकि वो ऊपर रह जाएगा, बाल के ऊपर रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है। और जब तक स्काल्प के अंदर नहीं जाएगा, उसको टच नहीं करेगा, तब तक कोई फायदा नहीं है।
सो गाइस, मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से और मैं फिंगर से ऐसे मैंने मिक्स कर लिया है पूरी तरह से, जो कि स्काल्प के ऊपर जाके टच हो गया है। सो अभी मैं इसको छोड़ दूंगा आधा घंटा तक, 25 से 30 मिनट तक मैं इसको छोड़ दूंगा। उसके बाद फिर मैं शैम्पू कर लूँगा और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ कैसा दिखता है, मतलब किस तरह का पूरा क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल भी जो अंदर का जो डैंड्रफ है वो हट जाता है। सो अभी मैं इसको आधा घंटा छोड़ूंगा और छोड़ने के बाद फिर मैं नहाऊंगा, इसको धो लूंगा। सो पहले मैं लगाता था तो बहुत ज़्यादा बाल आते थे हाथ में, आप देख सकते हो बाल एक दो ही दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो काफ़ी कंट्रोल में है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इफेक्टिव है। और जो दवा खा रहा हूँ, जो मेडिसिन ले रहा हूँ डॉक्टर बत्रा का, 7 मंथ मतलब 8वां महीना चल रहा है। सो 8वां महीना चल रहा है और ये काफ़ी अच्छा जो है दवा काम करना अब चालू कर दिया है पिछले 1-1.5 महीने से। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अब मेरा दवा काम करना शुरू कर चुका है और मुझे जो फ़ायदा है, जो रिजल्ट है वो दिखना शुरू हो चुका है। तो काफ़ी फायदा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और जो डैंड्रफ है वो भी कम है और जो बालों का जो हेयर फॉल था वो बहुत ही ज़्यादा हद तक कम हो गया है। सो अभी मैं कंटिन्यू दवा ले रहा हूँ और जैसे ही 8 महीना हो जाएगा जब मैं नेक्स्ट सेशन में जाऊँगा तो बताऊँगा कि हाँ क्या रिजल्ट है, कैसा है। सो गाइस, मुझे लगता है कि आधा घंटा हो गया है, 25 मिनट से ऊपर हो गया। सो पूरी तरह से सूख गया है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो पसीने से पूरा मेरे हालत ख़राब हो गए। सो मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए और इसको धोने के लिए। सो मैं जा रहा हूँ अभी नहाने के लिए, इसको शैम्पू करके धो लेते हैं अच्छे से और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पसीने टपक रहे हैं पूरा, तो मैं फटाफट नहाता हूँ उसके बाद नहा के दिखाता हूँ आपको। सो दोस्तों, एक चीज़ मैं दिखा दूँ कि मैंने 2 शैम्पू मंगाया था जो कि कॉम्बो मिला था मेरे को, तो मैंने 2 मंगाया था और एक ख़त्म हो गया, खाली हो गया। तो आज मैं इसको दूसरा वाला निकाला हूँ और इसको जा रहा हूँ लगाने के लिए। ये पूरा पैक है, बिल्कुल भरा हुआ है। सो डॉक्टर बत्रा का शैम्पू है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। सो चलो मैं इसको लेके जाता हूँ और फिर नहा लेता हूँ। सो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितना शैम्पू डालने वाला हूँ। सो मैंने पानी ले लिया है और डॉक्टर ने बोला है कि आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है शैम्पू, तो मैं कभी भी डायरेक्ट शैम्पू नहीं लगाता हूँ बालों के ऊपर, इसको पहले पानी में मिक्स करता हूँ तो उसके बाद लगाता हूँ। सो मैं अभी निकाल लेता हूँ जितना चाहिए। सो इतना इनफ है और अभी इसको मैं मिक्स करूँगा हाथों से और उसके बाद फिर लगाऊँगा, इसमें से आधा लगाऊँगा आधा फिर दो बार में लगाऊँगा। तो दोस्तों, फाइनली मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद इस तरह का लुक दिखता है। आप देख सकते हो मेरा बाल बिल्कुल भी क्लीन हो गया है, जो स्काल्प है वो भी क्लीन हो गया है। मैंने शैम्पू कर लिया अच्छे से और शैम्पू को लगाने के बाद थोड़ा छोड़ना पड़ता है 2 से 3 मिनट तक, ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब करे और स्काल्प को क्लीन करे। सो ये है, अभी जस्ट मैं नहा के आ रहा हूँ तो बाल जो है बिल्कुल गीला है, सूखने के बाद और भी अच्छा दिखेगा। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।